जीत के जिताबे में लगल है। आप बीजेपी वाला कह रहा है कि जमानत जब्त करवा देंगे, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। आपको पता है कि हर क्षेत्र से, हर गांव से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर चौराहे से काला झंडा और लाठी डंडे का उनका स्वागत किया जा रहा है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। पता नहीं आपकी कैमरा जाती है कि नहीं जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर टीवी, हर न्यूज चैनल, जितना भी हमारे सोशल मीडिया वाले हैं वो दिखा रहे हैं कि उनका विरोध हो रहा है। अब रविशंकर बाबू 10 साल से रहे हैं, उनका सारा एक्टिविटी जनता देख चुकी है, जनता जाग चुकी है, और पटना साहिब के जनता बहुत समझदार है और वो जागरूक है। सबसे पहली बात ये है कि हमारे अंशुल अभिजीत भैया का जो माता श्री है वो बहुत प्रेरणादायक है, प्रेरणा का स्रोत है। उनके ऊर्जावान को देख करके सारे जनता जागरूक हो गए हैं और अंशुल भैया के जिताने के लिए, लोकसभा भेजाने के लिए एकदम सब एकदम तैनात है, समर्पित है। और ये बात रविशंकर जी के जहन में भी घुसना चाहिए, बीजेपी के नेता को भी जहन में घुसना चाहिए और मोदी जी के भी जहन में घुसना चाहिए। मोदी जी का जो एक अलाउंस है कि मंगलसूत्र नहीं बचने दिया जाएगा, हमारी महिला अपना मंगलसूत्र के खुद सुरक्षा करेंगे, मोदी जी नहीं करेंगे। और ये चीज जान चुके हैं हमारे पूरे भारत के महिला कि हमारा मंगलसूत्र हमारा मजबूती है, मैं खुद स्वयं इसका रक्षा करूंगा, हमारे मोदी जी नहीं करेंगे। मोदी जी अपने पत्नी के पहले रक्षा करते हैं, मंगलसूत्र का ख्याल रखते हैं, तब मानते कि मोदी जी महिलाएं के लिए बहुत ही, समझिए कि बहुत ही वो महिला को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, वो छाशा में रखे हैं सारे महिला को। मेरा इतना ही कहना है। पटना साहिब से अंशुल अभिजीत जी रिकॉर्ड वोट से जीत रहे हैं और मैं एकदम प्रयास कर रही हूं। मेरा नाम जयमाला कुमार।